हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर में। आज हम बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट, मतलब वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। जैसा कि आप लोगों ने एक अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप किया था 3612 पोस्ट पे, जिसमें डीवी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी हो गई थी डीवी कराने के बाद। तो अब उसमें फिर भी उसमें कुछ सीटें खाली रह गई, जिस वजह से सेकंड डीवी के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये PDF जो है हम वहीं पर शेयर करेंगे। आप वहाँ से जा करके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं टेक स्टडी ITIpur के नाम से, या फिर सर्च कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, और उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा किस स्टेट से आपका सिलेक्शन हुआ, वो भी हमें बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बिना देरी के हुए उस PDF को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की क्या प्रोसीजर उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, हमने इस PDF को ओपन कर लिया है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से सेकंड डेवी का मेरिट लिस्ट DRM ऑफिस भावनगर पारा की तरफ से जारी किया गया। वैसे ही 28 अप्रैल को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी, अब अपलोड हुई है। तो देख पा रहे हैं ये अप्रेंटिस के लिए है। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इसमें लिखा गया है इंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस द एक्ट भावनगर पारा की तरफ से वेस्टर्न रेलवे कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है सेकेंड डेवी के लिए। और यहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है कि मतलब ये यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन जो आया था, आपका फॉर्म आया था 26 मई 2022 को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बात करें हम कि आपको क्या क्या एडवाइस दिया जा रहा है, क्या क्या लाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़, डाउनलोड आपको प्रिंट आउट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट हो, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोविजनली ओरिजिनल सभी चीज़ लाना है। और उसके साथ साथ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी हो, TC जिसको कहते हैं, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC, SC, ST जो हो, और उसके साथ वैलिड इनकम EWS वाले EWS कास्ट लेकर आएंगे। उसके साथ साथ इन सभी डॉक्यूमेंट के दो सेट अटेस्टेड फोटो कॉपी जो होने आपके पास सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट के, मतलब दो दो प्रति आपके पास इन सभी की कॉपी होनी चाहिए, दो दो फोटो कॉपी। उसके साथ साथ 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहा गया, लेकिन आप लोग और लेके जाइएगा। एंड इसके साथ साथ फिट मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, जो आपको नोटिफिकेशन आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में NXR H करके है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसको उसी के फॉर्मेट में आपको बनवाना है जो एप्लीकेशन में था। और इसके साथ साथ आप जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ना, EWS, SC, ST, OBC, इन सभी का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का वो लोग अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देख पा रहे हो यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा वगैरह सब चीज़ की बात की गई। अब हम मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया लिस्ट फॉर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसमें क्या क्या है, आपका जो है नेम दिया गया है, आपके यहाँ पे मेल आईडी दी गई है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पे आपको DV के डेट दिया है, किस डेट पर आपको DV कराने के लिए आना है। तो देख पा रहे होंगे पासा ट्रेड के जो कैंडिडेट, यानी कोपा ट्रेड के जो कैंडिडेट, उनको 22 मई को बुलाया गया है, 22 मई 2023 को। और यहाँ पर बात करते हैं टोटल लगभग कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, लगभग बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट, 14 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं ड्राफ्ट मैन को 22 मई को ड्राफ्ट मैन को भी जाना है, तो यहाँ पे 3-4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इनको भी 22 मई को ही जाना है, देख पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ देखते हैं और ट्रेड में, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को 23 को जाना है, यहाँ पर दिखाया गया है। डेट फिटर ट्रेड के जो है उनको भी 23 मई को जाना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे RAC के जो कैंडिडेट हैं, रेफ्रिजरेटर एंड RAC मैकेनिक के, तो उनको 24 तारीख को जाना है। वेल्डर की बात करते हैं, वेल्डर को भी 24 तारीख को ही जाना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाँ बस इतने ही, मतलब कैंडिडेट टोटल 77 कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जो सीटें खाली रह गई थी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF हम वहीं पर शेयर करेंगे। और एक चीज़ और, आप अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से सिलेक्शन हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।